हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 भले ही रिलीज हो गई हो, लेकिन इस फिल्म को लेकर हो रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म के रिलीज से पहले करणी सेना ने भी इस फिल्म का जमकर विरोध किया था, जिसके चलते पटना में आर्टिकल 15 के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। वहीं अब इस फिल्म के पक्ष में भीम सेना आ गई है। मोना सिनेमा में भीम सेना के सदस्यों ने फिल्म आर्टिकल 15 को लेकर हंगामा किया। भीम सेना के कार्यकर्ता आर्टिकल 15 के सपोर्ट में उतर आए हैं। भीम सेना के सदस्यों की मांग है कि इस फिल्म को हॉल में वापस लगाया जाए। वहीं हॉल के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने हंगामा कर रहे सदस्यों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके चलते वहाँ काफी अफरा तफरी मच गई। ये मामला गांधी मैदान क्षेत्र का है। वहीं इस मामले पर भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर, हम लोग ये मांग कर रहे थे कि यहाँ फिल्म आर्टिकल 15 को चालू किया जाए, एक दिन में फिल्म को समाप्त कर दिया जाता है। जातिवाद कि भारतीय संविधान पर आधारित फिल्म आर्टिकल कोई गुंडा वाला फिल्म है, कोई चोरी और कोई रेप अथी वाला फिल्म है, उस फिल्म को चालू। आज आप लोग क्या कहिए, हम लोग यहाँ मांग कर रहे थे कि आप आर्टिकल 15 फिल्म चालू करवाई, तो कोई फिल्म चालू नहीं करवाई। कबीर सिंह में लड़कियों का इतना यौन शोषण और हिंसात्मक रवैया अपना गया, वो चलता है, पर भारतीय संविधान का फिल्म नहीं चलता। यह हमारा इंडिया का दशा, जो भारतीय संविधान पर फिल्म बनता है तो दलित को देखने से लिए रोका जाता। बता दें कि आर्टिकल 15 जातिवाद जैसे सामाजिक विषय पर बनी फिल्म है, जिसके चलते इस फिल्म का ब्राह्मण समुदाय से लेकर करणी सेना तक काफी समय से विरोध हो रहा है। बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो फिल्म विरोध के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अब तक 20 करोड़ 4 लाख रुपए तक का कारोबार कर लिया है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में फिल्म को लेकर हो रहा विवाद थमता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म को लेकर विरोध करना ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।